कोरोना फिर लौट आया है। कुछ दिन पहले जहां कोरोना की रफ्तार रुक गई थी, वहीं अब एक बार फिर इसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अभी केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 450 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई है। राजधानी में संक्रमण दर 1.92% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। विभाग के अनुसार नए मामले सामने आने के साथ ही राजधानी में कोविड 19 के मामले बढ़कर कुल 19,09,427 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 26,213 हो गई है। सोमवार को यहां कोविड 19 के 247 नए मरीज सामने आए हैं और संक्रमण दर 3.47% थी। कल किसी मरीज की जान नहीं गई। वहीं दिल्ली में रविवार को कोविड 19 के 343 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 1.91% थी। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोविड 19 के 1,534 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि सोमवार को उनकी संख्या 1,349 थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।